न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। पहली खबर आजमगढ़ से। दरअसल आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा रहा। मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ के कलेक्टर सभागार में मंडल की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मंडल और जनपदीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे, जबकि मऊ और बलिया के अधिकारी ऑनलाइन बैठक से जुड़े रहे। उनके मंत्रिमंडल के विद्युत मंत्री ने कहा कि समीक्षा बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे आजमगढ़ मंडल के विकास को गति मिलेगी। यानी कि इस बैठक के बाद से आजमगढ़ में विकास के कई स्रोत जो हैं वो खुल जाएंगे। मंत्री ने कहा कि सभी योजनाओं, राजस्व, बिजली पर फोकस रहेगा, यानी कि आजमगढ़ की जनता को अब कहीं ना कहीं समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। ग्राम पंचायतों में हो रहे मनरेगा कार्य, आवास योजना, गौशाला, लॉ एंड ऑर्डर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि किसानों को 10 घंटे बिजली दी जा रही थी, वो अब 16 घंटे दी जाएगी। इससे किसानों के चेहरे कहीं ना कहीं खिलते हुए नजर आएंगे। तो आइए सुनवाते हैं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने क्या कुछ कहा। मैं इस मंडल के तीनों जिलों की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आजमगढ़ में आकर के मंडल के तीनों जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा किया और हमारे जैसे मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, नेतागण, कार्यकर्तागण के साथ भी बातचीत करके उनकी भी भावनाएं, उनके भी मन जानने के बाद अधिकारियों को उचित निर्देश दिए हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इस मंडल के विकास की गति और भी तेज होगी। फोकस अब किस तरह? सभी विकास योजनाओं पे फोकस रहा, राजस्व पे रहा, बिजली पे रहा, काम पंचायतों में जो काम हो रहे हैं मनरेगा के हो रहे हैं, लोगों को आवास दिए जा रहे हैं, लोगों को कान्हा गौशाला जो चल रही है, गौशाला जो पशु इधर उधर रहते हैं उनके बारे में, सभी विषयों के लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था के बारे में भी उन्होंने बहुत बारीकी से समीक्षा किया है। एक सबसे बड़ी बात जो आज की इस यहाँ के कार्यक्रम की रही है, उसमें यह है कि हमारी और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच चर्चा हुई और उन्होंने जो किसानों को 10 घंटे अभी तक बिजली दी जाती थी उसे 16 घंटा करने का उन्होंने निर्णय लिया है। हम किसानों की तरफ से, राज्य की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें 16 घंटे बिजली देने का के लिए हमें छूट दी। सर, कुछ अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई सर? ये तो समीक्षा होती है तो थोड़ी बहुत बातचीत, थोड़ी बहुत बातचीत, लोगों को कुछ कड़े शब्द, कुछ मीठे शब्द, ये समीक्षा का भाग होता है। सभी अधिकारियों को उन्होंने उचित दिशा निर्देश और उचित सूचना।